अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अभिनय अकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने मुरब्बा कालिब और क्रामर के उसूल के बारे में पढ़ा था। आज हम मशक़ 1.3 हल करने वाले हैं, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम कीजिए। इसमें मुरब्बा कालिब दिया हुआ है 7/3, 2/3/2, 5/3 और 1/2। तो हम जानते हैं कि मुरब्बा कालिब को हल करने के लिए हम जो है तो ए का और डी का ज़र्ब करते हैं, फिर तफरी बी और सी का ज़र्ब करते हैं। तो उसी तरीके से करेंगे, 7/3 ज़र्ब 1/2, फिर तफरी की निशानी 5/3 ज़र्ब 3/2, तिरछा ज़र्ब करना है यहाँ पर। तो 7/3 ज़र्ब 1/2 कितना आ जाएगा, 7/6 आ जाएगा, और 5/3 ज़र्ब 3/2 कितना आ जाएगा, 15/6 आ जाएगा। अब इनका नसब नुमाइज जैसा है तो इसलिए हम इनकी तफरीक आसानी से कर सकते हैं। 7 में से 15 नहीं जाएगा, 15 में से 7 या कितना बचेगा, तफरीक 8 बचेगा, बड़ी अदद की निशानी देंगी। तो तफरीक 8/6, अब तफरीक 8/6 को हम आसान सूरत में लिख सकते हैं तफरीक 4/3। तो इस तरह ये मुरब्बा कालिब की कीमत आ जाएगी तफरीक 4/3। अगला सवाल है, दर्ज ज़ैल हमज़ात मसावत क्रामर के उसूल का इस्तेमाल करके हल कीजिए। तो पहली मसावत है 3x + 4y = 10, 4x + 3y = 5। तो इसमें हमको क्रामर के उसूल का इस्तेमाल करके 100y की कीमतें निकालना है। तो अब 100y की कीमतें निकालने के लिए हमने ज़ाब्ते देखे थे, d = ज़ाब्ता देखे थे, dx = ज़ाब्ता देखे थे और dy = ज़ाब्ता देखे थे। तो सबसे पहले हमको a, b, c, a1, b1, c1, a2, b2, c2 की कीमतें निकालनी पड़ेगी। तो मसावत नंबर 1 का इस्तेमाल करके हम a1, b1, c1 की कीमतें निकाल सकते हैं। तो मसावत नंबर 1 के हिसाब से a1 = कितना आ जाएगा, 3, b1 = -4, c1 = 10। मसावत नंबर 2 का इस्तेमाल, a2 = 4 आ जाएगा, b2 = 3 आ जाएगा और c2 = 5 आ जाएगा। अब इन कीमतों के हिसाब से हम dx की और dy की कीमतें आसानी से निकाल सकते हैं। तो d = ज़ाब्ता है a1 a2 b1 b2। अब यहाँ पर इनकी कीमतें a1 a2 और b1 b2 की कीमतें रख दो, मुरब्बा कालिब को हल करो तो आप आसानी से d की कीमत हासिल कर सकते हो। तो a1 की जगह 3 आ गया, a2 की जगह 4 आ गया, b1 की जगह -4 आ गया और b2 की जगह 3 आ गया। फिर से तिरछा ज़र्ब, 3 ज़र्ब 3, मनफी अलामत, फिर वापिस से तिरछा ज़र्ब, 4 - 4 = 4। तो 3 ज़र्ब 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर मनफी की अलामत, फिर -4 = 4 कितना आ जाएगा, -16 आ जाएगा। अब ये -1 मुस्बित हो जाएगा, तो 9 जमा 16, और 9 जमा 16 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, मतलब डी की कीमत कितनी हो गई, 25 हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से हम dx की कीमत निकालेंगे, dx बराबर कितना है, ज़ाब्ता क्या है, c1 c2 b1 b2। अब इसके अंदर c1 c2 और b1 b2 की कीमतें रखेंगे, c1 कितना है 10, c2 कितना है 5, b1 कितना है -4 और b2 कितना है 3। फिर से तिरछा ज़र्ब, 10 ज़र्ब 3, मनफी अलामत, फिर वापिस -4 ज़र्ब 5, 10 ज़र्ब 3 कितना आएगा, 30, मनफी अलामत, -4 ज़र्ब 5 कितना आएगा, -20, मनफी क्या हो जाएगा, मुस्बित हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 30 + 20 कितना हो जाएगा, 50। तो dx की कीमत कितनी हो गई, 50, d की कीमत 25, dx की कीमत 50। अब हम dy की कीमत निकालेंगे, तो dy के लिए ज़ाब्ता क्या है, dy = a1 a2 c1 c2। अब a1 a2 और c1 c2 की कीमतें रखो, a1 की कीमत 3, a2 की कीमत 4, c1 की कीमत 10, c2 की कीमत 5। इसी तरह इनका तिरछा ज़र्ब करेंगे, 3 ज़र्ब 5 कितना हो जाएगा, सॉरी 5 ज़र्ब 3, फिर मनफी अलामत, फिर 10 ज़र्ब 4, 5 ज़र्ब 3 कितना आएगा, 15, फिर मनफी अलामत, 10 ज़र्ब 4 कितना हो जाएगा, 40, 15 में से 40 नहीं जाता, 40 में से 15 जाएगा तो 25 बचेगा। बड़ी अदद की अलामत मनफी है, इससे हमारा जवाब आएगा dy = -25, d 25, dx 50 और dy -25। अब इस पर से हम x और y की कीमतें निकालेंगे, तो x बराबर क्या जाता है, dx/d, dx की कीमत रखो 50, d की कीमत 25, 50/25 कितना हो जाएगा, 2, मतलब x की कीमत कितनी हो गई, 2 हो गई। इसी तरह y बराबर क्या जाता है, dy/d, dy की कीमत थी -25, d की कीमत है 25,
मंथली 25/25 कितना हो जाएगा, मंथली एक, मतलब वाई की कीमत कितनी आ गई, वाई बराबर मंथली एक आ गया। तो इस मसावात के एक्स और वाई बराबर कीमत क्या है, 2 मंथली 1। इस तरह कुछ मिसालें आप लोगों को यहाँ पर हल करने के लिए दी जा रही हैं। मास्टर कक्षा 3 से कुछ मिसालें, आप इनको हल कीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।